बच्चों, आज के इस हिंदी के वीडियो में सभी का स्वागत है। और आज हम लोग नया पाठ शुरू करने जा रहे हैं, पाठ 10, झांसी की रानी। झांसी की रानी, झांसी की रानी का नाम रानी लक्ष्मीबाई था और सभी ने उनका नाम सुना होगा। और ये जो कविता हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं, इसे लिखा है सुभद्रा कुमारी चौहान ने। तो कवित्री ने बहुत ही सुंदर ढंग से रानी लक्ष्मीबाई की वीरता का उनका गुणगान किया है, उनकी वीरता के बारे में बताया है और किस तरह से उन्होंने संघर्ष किया, इसके बारे में उन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से वर्णन किया है। देश प्रेम एवं देशभक्ति की भावना जगाने वाली कविताओं की कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 16 अगस्त 1904 को प्रयाग में हुआ था और राजपूत घराने के होने तथा पर्दा प्रथा के कारण इनकी शिक्षा 9वीं कक्षा तक ही हो सकी, पर कविताओं की रचना उन्होंने कम उम्र में ही शुरू कर दी थी। महादेवी वर्मा और सुभद्रा कुमारी चौहान सहपाठी थीं। सहपाठी का मतलब है एक साथ जो पढ़ाई करती थीं, एक साथ पढ़ती थीं। इनकी मृत्यु मोटर दुर्घटना में 15 फरवरी 1948 को हुई। जलियांवाला बाग में बसंत तथा झांसी की रानी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो इस कविता में सुभद्रा कुमारी चौहान ने रानी लक्ष्मीबाई के जीवन, दिनचर्या, उनके शौक, उनकी बहादुरी और उनके साहस भरे कार्य और तथा देश प्रेम और उनके शौर्य की भावना तथा बलिदान की चर्चा की है। इसके अतिरिक्त इसमें कवित्री रानी लक्ष्मीबाई का वर्ष 1857 के स्वाधीनता संग्राम में योगदान का भी वर्णन है। और वह जब स्वतंत्रता की पहली लड़ाई प्रारंभ हुई तो भारत के राजाओं में हलचल हुई, उनके सिंहासन हिल गए और राजवंश अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए। तो इस तरह से रानी लक्ष्मीबाई के बारे में इस पाठ में बहुत ही सुंदर ढंग से वर्णन किया गया है और ये कविता की बोल बहुत ही सुंदर हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग पाठ 10, जिसमें झांसी की रानी के बारे में बताया गया है। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। तो ये रानी लक्ष्मीबाई जो है, ये जब स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने भाग लेना शुरू किया, स्वतंत्रता की लड़ाई में इन्होंने अपना योगदान देना शुरू किया, तो सिंहासन हिल उठे। सिंहासन यानी कि शासन और सत्ता हिल उठे, अर्थात उसमें परिवर्तन हुआ। राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, राजवंश कहते हैं कि राजाओं के परिवार को, राजवंश राजाओं का जो परिवार होता है। भ्रिकुटी तानी थी अर्थात क्रोध करना, तो सिंहासन अर्थात जो शासन सत्ता थी वो, उसके सिंहासन हिल उठे। राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, राजवंशों का मतलब है यहाँ पे राजाओं का के परिवार, राजाओं का परिवार, उनके जो लोग हुआ करते थे। और यहाँ पे भ्रिकुटी तानी थी, भ्रिकुटी कहते हैं भौं को, भ्रिकुटी यहाँ पर जिसका अर्थ है, भ्रिकुटी तानना मतलब क्रोध करना। भ्रिकुटी यहाँ पर भ्रिकुटी तानना, क्रोध करना। भ्रिकुटी तानना मतलब क्रोध करना। तो उस समय उनको बहुत गुस्सा आता था। और अब जो है, जब इन लोगों ने स्वतंत्रता के लिए
संग्राम करना शुरू कर दिया और आंदोलन शुरू होने लगे। अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है लोगों ने ठान लिया, सिंहासन हिल उठे, तब उनके सिंहासन हिल उठे, अर्थात अंग्रेज़ों के जो शासक थे वो कांप उठे। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। बूढ़े भारत में यानी कि प्राचीन कमज़ोर भारत, बूढ़े भारत, बूढ़े भारत यानी कि कमज़ोर कमज़ोर प्राचीन भारत, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। नई जवानी कहने का मतलब है यहाँ पर नया जोश, उत्साह। तो यहाँ पर बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। जब यहाँ के लोगों ने अपने देश को गुलामी से बचाने के लिए अपना योगदान देना शुरू किया, वीरता से कार्य करना शुरू किया, तो अंग्रेज़ों के सिंहासन हिल उठे और राजवंशों ने, जो राजाओं के परिवार थे, उन लोगों ने भी अब जो है उनके खिलाफ बोलना शुरू कर दिया और उन्हें उनके ऊपर क्रोध भी आने लगा। भ्रिकुटी तानी थी, खलबली मच गई और उनके अंदर बहुत बड़ा जो है जोश जागा। फिर से नई जवानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। और ऐसे बूढ़े कमज़ोर भारत में, क्योंकि भारत जो है धीरे धीरे बहुत ही विकास के दर में बहुत ही नीचे पहुंच गया था और इसी का फ़ायदा उठाते हुए अंग्रेज़ जो है यहाँ पर शासन करने लगे थे और धीरे धीरे सबको अपना गुलाम बना लिए थे। तो बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, तो ऐसे बूढ़े कमज़ोर भारत में भी अब नई जवानी आ गई थी। और कहने का मतलब है कि उसके अंदर नया जोश और उत्साह जाग उठा था। अब वो गुलामी की जंजीरों से बचना चाहती थी और अंग्रेज़ों के अत्याचार से बचना चाहती थी, अंग्रेज़ों का गुलाम होने से बचना चाहती थी। गुमी हुई आज़ादी, गुमी का अर्थ होता है गुमी हुई का अर्थ है खोई हुई। गुमी हुई का अर्थ है खोई हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। कीमत कहते हैं मोल को, मूल्य को। अब भारतवासियों को समझ में आ रहा था कि किस तरह से गुलाम होने पर उनके साथ अत्याचार हो रहा था और उन्हें जो है अपने ही देश में गुलाम होना पड़ा। तो इस तरह से इस आज़ादी की कीमत, जो आज़ादी खो चुकी थी, जो अंग्रेज़ों के हाथ में चली गई थी, इस आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। तो भारत के लोगों ने इसकी कीमत पहचान ली थी, इसका मूल्य पहचान लिया था। कहने का मतलब ये है कि गुलाम होने के बाद ये महसूस हो रहा था कि स्वतंत्र होना कितना ज़रूरी है। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। फिरंगी यहाँ पर अंग्रेज़ को कहा गया है और सबने मन में ठान लिया था कि अब अंग्रेज़ों को यहाँ से दूर करना है। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो यहाँ पे चमक उठी सन 57 में, यहाँ पर 1857 में, यहाँ पे सन 57 यहाँ पे कहा गया है 1857 को, यानी 1857। चमक उठी यानी कि यहाँ पर अब तलवार जो है चमक उठी 1857 में, वह तलवार पुरानी थी और वो सभी लोगों ने अब ठान लिया था, अपने अपने शस्त्र लेकर और अपने अपने जो भी उनके पास हथियार थे वो उस तलवार को लेकर तैयार थे अंग्रेज़ों का मुकाबला करने के लिए। और बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यहाँ पे बुंदेले हर बोलों, ये एक विशेष जाति है, बुंदेले हर बोलों,
बुंदेले हर बोलूं, यहाँ पे कहा गया है बुंदेलखंड की एक विशेष जाति, बुंदेलखंड की, ये जगह का नाम है बुंदेलखंड की एक विशेष जाति, एक विशेष जाति जो राजा महाराजा, जो राजा महाराजा, जो राजा महाराजा महाराजाओं के यश गाती थी। यश गाने से मतलब है उनका गुणगान करती थी, उनके अच्छे कार्यों की प्रशंसा की जाती थी। तो इस तरह से एक विशेष बुंदेलखंड की जाति, यहाँ पे बुंदेलखंड की जाति जो यहाँ के राजा महाराजाओं के यश का गुणगान करती थी और गाकर उसे वो सुनाती थी। तो बुंदेले हर बोलों के मुँह, हमने सुनी कहानी थी और उनके इस गीत में पूरी कहानी हुआ करती थी और उसमें जो है ये गाया जाता था, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इस तरह से यहाँ पे रानी ने मर्दानी, यहाँ पे रानी को मर्दानी कहा गया है, मर्दानी अर्थात मर्दों जैसी, मर्दानी का अर्थ है मर्दों जैसी, और मर्द कहते हैं पुरुष को, मर्दों जैसे, और मर्द कहते हैं पुरुष को। तो वो महिला होते हुए भी, स्त्री होते हुए भी पुरुष की भांति पूरी शक्ति ताकत और युद्ध कौशल के साथ वो अब आज़ादी की लड़ाई में शामिल हो गई थी और 1857 में उसने तलवार निकाली। चमक उठी संसद तावन में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह, हमने सुनी कहानी थी। तो इस तरह से जब यहाँ के राजाओं के परिवारों ने, राजवंशों ने जब क्रोध गुस्सा और जो है इसके अंग्रेजों के खिलाफ बोलना शुरू किया तो उनके सिंहासन हिल उठे और बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। और इतना जो है वो शासक जो थे वो अब पूरी तरह से तैयार हो गए थे, वे समझ चुके थे कि अब अंग्रेजों का सामना जो है, अंग्रेजों को दूर भगाना बहुत ज़रूरी है। और फिर बूढ़े भारत में भी जो है नया उत्साह और जोश आ गया था और खोई हुई आज़ादी की कीमत को, सभी उसके महत्व को वो सभी पहचानने लगे थे। अब यहाँ पर रानी के जीवन से संबंधित जो है कुछ घटनाओं का वर्णन है और इसमें कहा जाता है कि कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी, नाना के संग पढ़ती थी वह नाना के संग खेली थी, बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। अब यहाँ पर बचपन में रानी लक्ष्मीबाई क्या क्या करती हैं उसके बारे में यहाँ पर कहा गया है। तो कानपुर के नाना की यहाँ पे मुँह बोली, मुँह से बोली हुई मानना, मुँह बोली अर्थात मानी हुई बहन, जिसे कि मान लिया गया है, वो उसकी सगी बहन नहीं है लेकिन उसने उसे बहन माना है। तो नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी, छबीली अर्थात सुंदर, यहाँ पे छबीली उसकी सुंदरता को देखते हुए कहा गया है छबीली, छबीली अर्थात सुंदर। तो यहाँ पर उसके सुंदरता के कारण उसे छबीली कहा गया है। तो इस तरह से कानपुर के नाना की वह मुँह बोली बहन थी और वह अपने पिता की इकलौती संतान थी, पिता की वह संतान अकेली थी और उसका नाम था लक्ष्मीबाई नाम, अर्थात उनका नाम लक्ष्मीबाई था। तो लक्ष्मीबाई नाम उनका था और वो अपने पिता की अकेली संतान थी। तो यहाँ उनके बचपन का उनके बारे में बताया जा रहा है
और वो नाना के संग ही पढ़ती थी और नाना के संग ही खेलती थी। और नाना जो है, यहाँ पे नाना नाम है जो कि रानी लक्ष्मीबाई को अपनी अपनी बहन मानते हैं, मोहबोली बहन, और उन्हीं के साथ जो है वो पढ़ती थी, खेलती थी, और वो युद्ध करना भी जानती थी। बर्छी, ढाल, ये सब जो है हथियार हैं। कृपाण, कटारी, कटारी कहते हैं छोटी तलवार को, और कृपाण होता है, ये सब शस्त्रों के नाम हैं। और उसकी यही सहेली थी और इसी से वो खेलती रहती थी, इसीलिए उसे युद्ध कौशल का बहुत ही अच्छा ज्ञान था, युद्ध करने की कला उसके अंदर बहुत ज़्यादा थी। यहाँ पे कटारी कहते हैं छोटी तलवार को, कटारी, कटारी यहाँ पे छोटी तलवार को कहा गया है। और इस तरह से इन सभी शस्त्रों को चलाना वो बखूबी जानती थी। अब आगे जो है यहाँ पे वर्णन है कि वीर शिवाजी की गाथाएं, उसको याद जवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो वीर शिवाजी की गाथाएं, शिवाजी की जो गाथाएं थी, जो कहानियां थी, वो उसको मुँह जवानी, जवानी यानी कि मौखिक रूप से, जबानी कहते हैं मौखिक रूप से, वो जो है उसको अच्छी तरह से याद थे रानी लक्ष्मीबाई को। तो यहाँ पे हम लोग आगे कठिन शब्दों का अर्थ लिखेंगे। तो यहाँ जबानी का अर्थ है मौखिक रूप से। यहाँ पे जबानी मौखिक रूप से। वीर शिवाजी की गाथाएं, उसको याद जवानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो यहाँ पर ये पंक्ति जो है वो हर चार लाइन के बाद जो है ये इसका प्रयोग किया गया है, बार बार ये पुनरावृत्ति हुई है इन वाक्यों की इसकी, कि बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो यहाँ पर जो है ये पंक्तियाँ थोड़ी थोड़ी देर में इसको पुनरावृत्ति इसकी हुई है, तो इससे जो है ये गाने में बहुत ही सुंदर दिखता है। तो यहाँ पर वीर शिवाजी की जो कहानियाँ हैं, गाथाएँ कहते हैं कहानी को, गाथाएँ जिसको कि गा के बताया जाता है, गाथाएँ यानी कहानी। तो शिवाजी की कहानियाँ उसको मौखिक रूप से याद थी, जवानी का अर्थ है मौखिक रूप से। और इसके बाद जो है बुंदेले हरबोलों के मुँह, बुंदेले जो हरबोले थे, बुंदेलखंड के जो हरबोले थे, जो ये कहानियाँ गाकर सुनाते थे, उनके मुँह से हमने रानी लक्ष्मीबाई के बारे में ये कहानियाँ सुनी हैं, और खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, और वह मर्दों की तरह उसने युद्ध कौशल का पूरी तरह से जो है उसने दिखाया युद्ध के संग्राम में। और इसमें जो है वह इतने अच्छे से युद्ध की कि वह मर्दों की तरह स्त्री होते हुए भी उसने युद्ध किया। तो ऐसी झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी के विषय में इन पंक्तियों में बताया गया। और अब आगे यहाँ पर वर्णन चलता है कि लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के बार, नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना, ये थे उसके प्रिय खिलवार। यहाँ पे खिलवार लिखा है, खेल को खिलवार लिखा है। तो लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, लक्ष्मी धन की देवी को कहते हैं,
और दुर्गा एक देवी को कहते हैं लक्ष्मी, और दुर्गा ये देवी के नाम हैं। वह स्वयं वीरता की अवतार, वह जो है स्वयं वीरता का साक्षात रूप थी। अवतार कहते हैं वीरता की, अवतार कहने का मतलब है वीरता की अवतार, यानी कि वीरता का साक्षात रूप, वीरता का अवतार अर्थात वीरता का साक्षात रूप, यानी कि वो जो है इतनी वीर थी, इतनी साहसी थी कि उसके बारे में जो है उन्हें वीरता का अवतार कहा जाता था। वीरता के अवतार के लिए यहाँ पर वीरता की अवतार थी, स्वयं मतलब खुद वो स्वयं वीरता की अवतार थी और किसी भी देवी से कम नहीं थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार। देख मराठे पुलकित होते, पुलकित होते मतलब खुश होते, पुलकित होते, पुलकित खुश, पुलकित होते, पुलकित का अर्थ है यहाँ पे खुश। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार, वार कहते हैं आक्रमण को, प्रहार करने को, वार मतलब प्रहार या आक्रमण। प्रहार या आक्रमण भी इसको कह सकते हैं। तो लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के वार, जब वो तलवार चलाना शुरू करती थी तो मराठे देखकर आश्चर्यचकित रह जाते थे। रानी लक्ष्मीबाई की तलवारबाजी देखकर सभी आश्चर्य हो जाते थे। और नकली युद्ध देख मराठे पुलकित होते, पुलकित होते यानी खुश होते थे कि रानी लक्ष्मीबाई इतना अच्छा तलवारबाजी सीख ली थी और उस वो जो दिखाती थी तलवारबाजी, अभ्यास करती थी। नकली युद्ध, नकली युद्ध करना यानी कि अपने आप को युद्ध के लिए तैयार करने के लिए नकली युद्ध करती थी। व्यूह की रचना, व्यूह कहते हैं घेरा को, व्यूह, व्यूह कहा जाता है घेरा को। तो व्यूह की रचना करती थी और खेलना खूब शिकार, और खूब शिकार करती थी, उनको शिकार करना बहुत ही अच्छा लगता था। सैन्य घेरना, सैन्य मतलब सेना, सैन्य, सैन्य मतलब सेना, सैन्य घेरना, सेना को घेरना, और दुर्ग तोड़ना, दुर्ग कहते हैं किला को, दुर्ग मतलब किला। दुर्ग मतलब किला, तो सैन्य सेना, दुर्ग किला। सैन्य घेरना, सेना को घेरना, और दुर्ग तोड़ना, और किले को तोड़ना, किस तरह से हमें घेर कर जो है उस पर किलों को तोड़ना है, ये थे उसके प्रिय खिलवार। खिलवार कहते हैं खेल को, खिलवार, खिलवार यहाँ पर खेल को कहा गया है। नकली युद्ध व्यूह की रचना, यानी कि व्यूह युद्ध करते समय जो व्यूह रचना की जाती है, जो चक्रव्यूह बनाया जाता है, तो उसको जो है किस तरह से घेरना है और उसमें कैसे जो है युद्ध करते हुए निकलना है और उसको तोड़ना है। तो व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, नकली युद्ध का वो बहुत अभ्यास करती थी और व्यूह रचकर उसको तोड़ती थी और खूब शिकार खेलती थी। सैन्य घेरना, सेना को घेरना, और दुर्ग तोड़ना, किले को तोड़ना, और ये थे उसके प्रिय खेलवार अर्थात उसके प्रिय खेल थे। तो इस तरह से यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई जो है बचपन से ही
युद्ध करना, शिकार खेलना, तलवारबाजी करना और नकली युद्ध का अभ्यास करना, इन सब चीज़ों में बहुत ही कुशल थी। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी और महाराष्ट्र की कुल देवी की वो उपासिका थी, उसकी उपासना करती थी, भक्ति करती थी, तो देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, तो उसकी भी आराधना जो है वो दुर्गा रूप में मानती थी। तो महाराष्ट्र की कुल देवी की उसकी भी आराध्य भवानी थी, यहाँ पे दुर्गा के रूप में उनको मानती थी, आराधना करती थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, और हम लोग बुंदेल के हर बोलों के मुँह से ये कहानी सुने हैं लक्ष्मी बाई के बारे में। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो झांसी वाली रानी के जीवन के बारे में यहाँ पर किस तरह से उन्होंने बचपन से ही जो है इस तरह के खेलों को अपना, बचपन में जैसे बच्चे अलग अलग खेलों को खेलते हैं, वैसे यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई जो है वो तलवारों से खेलती थी और शस्त्र ही उनके खेल थे और वो युद्ध का भी अभ्यास करती थी। तो ऐसे बुंदेले हरबोलों के मुंह से हमने ये कहानी सुनी है, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, और वो झांसी की रानी थी, और मर्दानी यानी मर्दों जैसी थी, तो वो स्त्री लेकिन मर्दों की तरह बहुत ही साहस, वीरता और हिम्मत के साथ, शक्ति के साथ वो अपना जो है युद्ध करने का कुशलता प्राप्त की थी, जैसे मर्द लोग जैसे सैनिक होते हैं, तो इसी तरह से पुरुष की भांति वो भी सीखी थी। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बनाई लक्ष्मीबाई झांसी में। और वीरता की वैभव के साथ रानी लक्ष्मीबाई वीर थी, वीरांगना थी, और उनकी वैभव के साथ अर्थात ऐश्वर्य के साथ, वैभव कहते हैं ऐश्वर्य को, वैभव का अर्थ होता है धन दौलत और ऐश्वर्य सुख संपत्ति, ये सारा कुछ जो है वो उनको प्राप्त हुआ। तो हुई वीरता, रानी वीरता की प्रतीक थी, वैभव कहते हैं ऐश्वर्य को, वैभव ऐश्वर्य, ऐश्वर्य मतलब धन दौलत सुख संपत्ति, और राजा के साथ उनका विवाह हुआ था, झांसी में उनका विवाह हुआ था। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बनाई लक्ष्मीबाई झांसी में। ब्याह का मतलब होता है विवाह, यहाँ पर ब्याह शब्द आया है जिसका अर्थ है विवाह, इसका सही रूप है विवाह। तो रानी लक्ष्मीबाई का विवाह जो है वो झांसी में हो गया, पूरे वैभव के साथ, ऐश्वर्य के साथ। अब वो रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी बन गई थी, और राजमहल में बजी बधाई खुशियां छाई झांसी में। सुभट बुंदेलों की विरुदावली सी वह आई झांसी में। अब रानी लक्ष्मीबाई झांसी पहुंच गई थी क्योंकि उनका विवाह झांसी के राजा से हुआ था, और राजमहल में बजी बधाई बजने लगी थी और खुशियां छाई झांसी में, और झांसी में बहुत खुशी छा गई थी क्योंकि लक्ष्मीबाई जो है वहाँ की रानी बन गई थी। सुभट बुंदेलों को कहते हैं वीर योद्धा, सुभट बुंदेलों, सुभट बुंदेलों, सुभट बुंदेलों की वीरतावली, वीर योद्धा, वीर योद्धा, और विरुदावली प्रशंसा एवं यश के गीत, विरुदावली
विरुदावली यानी प्रशंसा एवं यश के गीत। प्रशंसा एवं यश के गीत सी यानी कि एक वीर की भांति और वीर योद्धा की भांति और प्रशंसा से भरी हुई ऐसी वह आई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। चित्रा ने अर्जुन को पाया अर्थात एक नक्षत्र का नाम है चित्रा और उसने यहाँ पे अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी और शिव को जिस तरह से पार्वती मिली थी वैसे ही बुंदेले हरबोलों के मुँह, ऐसे बुंदेल के हरबोलों के मुँह से हमने ये कहानी सुनी थी और खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी और खूब मर्दों की तरह लड़ने वाली वह झांसी की रानी थी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ तक पढ़ेंगे और पढ़े हैं और अब हम लोग इसके आगे का भाग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो धन्यवाद।